माहिरा खान से शफकत सीमा की बन गई हूँ। तुम्हें पता है तुमसे पहले मेरी कितनी शादियाँ हुई है? कितनी? पूरी आठ। आठ? लेकिन वो सारे के सारे मारे गए शादी की पहली रात। कैसे? मैंने मार दिया, मैंने मार दिया सबको। सारे के सारे बेवफा मर्द थे। मुझे भी एक बेवफा मर्द ने शादी की पहली रात ही धोखा दिया, छोड़कर चला गया था मुझे। तब से मैंने फैसला कर लिया कि मैं किसी भी बेवफा मर्द को नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। मैं जानू बेवफा नहीं हूँ, मैं बेवफा मर्द नहीं हूँ जानू। झूठ, बिल्कुल झूठ। तुम भी बेवफा हो, तुम झूठे भी हो। तुमने अपनी बीवी से झूठ बोला, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम्हें अब मरना होगा। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। कब तक अंदर छुपे रहोगे? कभी ना कभी तो बाहर आओगे ना, फिर नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। आ जाओ, आ जाओ। उस पार निकलते हैं यार बबल बनाए। अरे बबल फुलाए, चलता जा कोई आए जाए, चलता जा। किसी की आंख पुकारे करे इशारे, क्या तुमने क्लासिकल मौसीकी की रिहर्सल शुरू कर दिया? अरे हुआ क्या है भाई? वो सानिया पागल निकली है। अरे पागल है तो उसने तुम जैसे मर्द से शादी की है ना, वरना इस घर में एक और भी पुरकशिश मर्द मौजूद है। कौन से पुरकशिश मर्द मोहसिन? अरे मैं भाई। अगर आपने दूसरी शादी का सोचा भी तो मैंने आपका वो कर देना मश्ताक। वो क्या? खून, खून। वो मेरा खून करना चाहती है माँ जी। अरे तुम फिक्र नहीं करो नबील, हम तुम्हें अमेरिका जाकर ही दफनाएंगे। महमूद साहब, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तेरे मरने का वक्त आ गया, आजा। मुझे बचा ले, मुझे 5,000 का नोट समझ के बचा ले यार। अरे नबील, ये तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का घर का मामला है भाई, हमें बीच में क्यों ला रहे हो? आओ मोमो, हम बाहर लॉन में चलते हैं। मैं मुझसे बाहर मुझे छोड़ के कहाँ जा सकते हैं यार? क्यों नहीं जा सकते? तुम अपना मां चल जाओ। यार रुको, यार रुको। मरने के लिए तैयार हो जा। मैं तैयार होने के लिए जा रहा हूँ। जानू, जानू तुम कहाँ जा रही हो? घर छोड़ के जा रही हूँ पापा के पास। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ खूबसूरत। क्यों? तुम तो अमेरिका जा रहे थे ना अपनी उस नई बीवी के साथ। नहीं जानू, पापा जी ना रात मेरे ख्वाब में आए थे, कह रहे थे मैं भी तुम्हारे साथ लाहौर आ जाऊँ, तो इसीलिए ना मैं उठ के आ गया हूँ तुम्हारे पास। सच सच बताओ नबील, क्या हुआ है? जानू क्या बताओ, वो लड़की जिसे मैंने शादी की थी ना, वो साइको है, रात से मेरे पीछे ना चुरा लेके फिर रही है। बहुत अच्छा हुआ नबी, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। देखो जानू, इतनी जालिम मत बनो, मैं तुम्हारा इकलौता शौहर हूँ जानू। अच्छा, तुम तो मुझे छोड़कर अमेरिका जाने वाले थे नबील। जानू सात समंदर पार मैं तुम्हारे बगैर कैसे जा सकता हूँ? मैं तो तुम्हारे बगैर सी भी नहीं जा सकता जानू। वो तो मैं महमूद साहब को चला रहा था यार। जो भी है, अब मेरा तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं। शाम तक मेरी टिकट कंफर्म हो जाएगी और मैं पापा के पास जा रही हूँ। तुम जानो, तुम्हारी बीवी जाने। जानू सोचो, अगर मैं मर गया तो चांदी के सर से बाप का साया उठ जाएगा, उठ जाएगा, उठ जाएगा जानू। मैं चांदी के लिए नया बाप ले आऊंगी नबील। जानू शट अप, हमें सुना दो के। यहाँ बैठे हो? तुम दोनों यहाँ बैठे हो? जाओ जाकर तो धोखेबाज मर्द को बाहर लेकर आओ। चलो रानिया पुत्र, दिल मेरी इकलौती वो है, तू उसकी जान बख्श दे। नहीं, वो एक बेवफा मर्द है, मैं दुनिया के सारे बेवफा मर्दों को ना एक एक करके मार दूंगी, नामो निशान मिटा दूंगी। वैसे आपका शोहर तो ठीक है ना आंटी? मेरा शोहर तो शक्ल से ही वो लगता है, देख। मकार? नहीं मकार नहीं, वो जिन पे बड़ा तरस आता है ना वो। मुझे मर्दों पे बिल्कुल तरस नहीं आता। मैं तो बहुत मासूम सा आदमी हूँ जी। हाँ, मासूम। मेरा शोहर ना शक्ल ही से इतना मासूम लगता है, देख।
अच्छा ठीक है, लेकिन मैं उस नबील को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, लेकर आओ उसे। चलो हाय मेरा पुत्र जलील, ना मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी। जो भी मेरे रास्ते में आएगा ना, मैं उसे भी जान से मार दूंगी। अरे बस करो यार मोमो, तुम क्यों नबील के लिए जान दोगी? उसने कौन सा बेटे होने का फर्ज अदा किया है? दफा करो उसे। आप कितने वो हैं इफ्तिखार। समझदार ना? नहीं जालिम और घटिया आदमी। हाँ हाँ यही है आप। मामा। अरे चुप करो तुम दोनों, जल्दी से जाकर उसे बुला कर लाओ। अगर तुम दोनों से बाहर ना लाए तो दोनों को बारी बारी मार दूंगी एक एक करके। इस नबील के बच्चे को निकाले, जल्दी तू अपनी जान। अरे नबील, कभी दरवाजा करो, मैं हूँ महमूद। अरे ये तुम लोग कहाँ जा रहे हो भाई? मैं जा रही हूँ अपने पापा के पास। मैं भी। तुम नहीं जा सकते नबील, अगर तुम भागे तो तुम्हारी वो पागल बीवी हम दोनों को जान से मार देगी यार। ओ बस कर दे महमूद साहब यार, आप और कितना जिएंगे यार? जिस हॉस्पिटल में आप पैदा हुए थे वहाँ तो बिल्डिंग गिर गई हुई है, वहाँ तो खेत है, लोग आप फसलें उगाते हैं। नबील मैं तुम्हारी खातर जान क्यों दूं भाई? बड़ा शौक था तुम्हें दूसरी शादी करने का, अब भूख तो? माँ जी आप तो मेरी माँ जी हैं यार, मेरी जगह एक आधा छुरा आप खा लें। बगैरता, अपनी पागल बीवी के हाथों अपनी सकी माँ को मरवाना चाहते हैं तू? सोचना भी मत नबील, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान कभी नहीं दूंगी। अच्छा जानू प्लीज मुझे बचा लो प्लीज। हाँ भाई अगर खूबसूरत जाकर उस पागल लड़की से बात करे ना तो शायद इसकी जान बख्शी हो सकती है। मैं उस पागल लड़की से बिल्कुल बात नहीं करूंगी। चल तस्नीम ज्यादा नखरे ना कर, इस जलील के लिए तू इतना तो कर सकती है ना? नबील माँ जी। हाँ इस जलील से नबील के लिए इतना तो कर सकती है ना तू? अच्छा ठीक है, लेकिन मैं अकेली नहीं जाऊंगी, आप लोग भी मेरे साथ चलेंगे। जाए ना मैं मुझा यार, प्लीज साथ जाए, आपको आपके बड़े मुंह की कसम मेरी जान बचा ले। वो जो मुझे तुम्हारी बचानी है वो जान है। हाँ जी प्लीज मैं मुझा, प्लीज यार जाए ना यार, जानो 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 प्लीज, चलो चलो जानो प्लीज प्लीज जानो प्लीज जानो प्लीज ओ प्लीज ओ प्लीज जानो। खूबसूरत संभाल लेगी। कहाँ है नबील, कहाँ है? पुत्र ये दिल की बीवी है, उसके बजाय इसकी जान ले ले। देखो तुम ऐसे किसी की जान नहीं ले सकती, तुम्हें जेल हो सकती है। मुझे जेल वेल कुछ नहीं हो सकती, इससे पहले भी मैं 8 बेवफा मर्दों को मार चुकी हूँ, पुलिस मेरा कुछ नहीं करेगी। अच्छा देखो तुम ऐसा करो नबील की ना एक टांग काट लो। हाय मेरा पुत्र लंगड़ा हो जाएगा मनावर। अरे कोई बात नहीं मोमो, जिंदा तो रहेगा ना। अरे टांग मैं उसे लकड़ी की लगवा दूंगा। हाँ भाई ठीक है। नहीं 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 नहीं, जब तक मैं उसकी जान नहीं ले लूंगी ना मुझे सुकून नहीं मिलेगा। कहाँ है? कहाँ है? अंदर बेडरूम या लाउंज में होगा। हाय मेरा पुत्र, ये निसरीन ना जलील को छोड़ेगी नहीं, उसकी जान ले लेगी। चल चलो आओ 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 आओ। मेरी बहन मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं वादा करता हूँ मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं लड़कियों से बातें नहीं करूंगा। मुझे महमूद साहब ने सब कुछ बता दिया है, तू अपनी बीवी को धोखा देता है, झूठ बोलता है उससे, हाँ छुप छुप के लड़कियों से फोन पे बातें करता है, तू मरेगा। अच्छा ये तो महमूद साहब ने अपने बारे में बताया, मेरे पास तो फोन ही नहीं है। चुप, तू एक बेवफा मर्द है और तेरी एक ही सजा है। जानू 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 नबील नबील जानू मुझे माफ कर दो, माफ कर दो जानू मुझे, मैं किसी लड़की की तरह नहीं देखूंगा, मुझे माफ कर दो। क्या हो गया नबील? जानू तुम जिंदा हो, मैं जिंदा हूँ, हम दोनों जिंदा है जानू, हम दोनों जिंदा है। क्या हो गया नबील, लगता है तुमने कोई बहुत बुरा ख्वाब देखा है। जानू मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है। जानू तुम बहुत अच्छी हो, खूबसूरत, तो तुम ना मेरा फोन भी ले लेना, अब मैं आज से किसी लड़की को आंख उठाकर देखूंगा भी नहीं। सच कह रहे हो नबील? हाँ जानू जो तुम कहोगी वो करूंगा, मैं नौकरी भी करूंगा, मैं घर के काम भी करूंगा, मैं बाहर के काम भी करूंगा। जानू तुम अपनी बात से मुकर तो नहीं जाओगे? नहीं जानू तुम्हारी कसम, मैं अब वो पहले वाला नबील नहीं रहा, अब मैं बहुत बदल गया हूँ जानू, वो मैं धोखेबाज और बेवफा नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रहा। अच्छा तो वो जो कल मैंने लिस्ट दी थी ना,
जाओ सामान लेकर आओ। अच्छा जानो अभी जाता हूँ, अभी लेके आता हूँ, मैं चेंज कर लूँ, मैं अभी जाता हूँ जानो।